क्लियर है। वीडियो में जो शख्स पुलिस से पिटते नजर आ रहे हैं, यह कभी खुद पुलिस अधिकारी थे और पिटाई कर रही पुलिस इन्हें सल्यूट मारा करती थी, लेकिन अब यह नए नवेले नेता बन गए हैं और एमपी पुलिस ने अपने ही पूर्व पुलिस अधिकारी और वर्तमान बीजेपी नेता की बाल पकड़ पकड़ कर सार्वजनिक रूप से पिटाई कर दी। नेताजी जैसे तैसे मुंह छुपाकर भागे। यह शख्स कौन है हम आपको बताते हैं। पिटाए गए यह पुलिस अधिकारी पूर्व SDOP फूल सिंह टेकाम है। मामला सतना जिले का है। यहाँ पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान कार के डाया मैयर जिले में कार्यक्रम हो रहा था। CM के पहुंचने पर नए नवेले नेता और पूर्व पुलिस अधिकारी टेकाम ने पुलिस कर्मियों से हुज्जत करना शुरू कर दी। पुलिस कर्मियों ने उन्हें दरअसल अंदर जाने से रोका था, लेकिन टेकाम नहीं माने। हुज्जत बढ़ी तो पुलिस कर्मियों ने लाठी डंडों से टेकाम की पिटाई कर दी। सोशल मीडिया पर नेताजी की पिटाई का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग चटखारे ले रहे हैं कि पूर्व पुलिस अधिकारी की वर्तमान पुलिस अधिकारियों के सामने किस कदर पिटाई हुई। फूल सिंह टेकाम जी को विधिवत मंच में बुलाया गया है, मंच में वो रहे हैं। आज उसी समय CM साहब का कारकेट आ रहा था, पुलिस ने चैन बना करके रखा था और उसकी कोशिश किया तो पुलिस ने उनको रोका था। जैसे ही CM साहब मंच में आ गए हैं वैसे ही उनको ससम्मान मंच में लाया गया है। एक साथी भी थे जिनकी सदस्यता होनी थी, उनकी सदस्यता भी CM साहब ने की है। और वो जो वीडियो वायरल हुआ है वो उस समय का है जब CM साहब का कारकेट आया हुआ था और पुलिस प्रशासन व्यवस्था बना रहा था। उनके सम्मान का भारतीय जनता पार्टी सदैव से सबका साथ सबका विकास तो और सबका सम्मान का विश्वास करती है, सबके विश्वास में विश्वास करती है। और आदिवासी समाज को की द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया है, तो जनजाति समाज के लिए सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी में सम्मान है। और वो थोड़ा सा टेक्निकली चूंकि परिचित ना होने के कारण, प्रशासन में बाहर की फोर्स लगती है, वो परिचित ना होने के कारण और मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण उनको रोका।